हे एवरीवन, वेलकम बैक। ये एक शानवांग फैन फिक्शन है, माय फियर्स ओमेगा। तो इसमें अल्फा विंग है और ओमेगा वांगशी है। तो प्लीज़ जिनको शानवांग नहीं पसंद वो इसे स्किप कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। हम लोग विंग के पेरेंट्स को देखते हैं जो कि एक हॉस्पिटल में एंट्री करते हैं और उसके बाद उस रूम में जहाँ पर नी हुसैंग और विंग दोनों ही एडमिट थे और उनको चोटें आई हुई थी पिटने की वजह से और उसका इलाज करा रहे थे। विंग के अल्फ़ा फादर और ओमेगा फादर उन दोनों को ऐसे देखकर हैरान हो जाते हैं। विंग के अल्फ़ा फादर थोड़ा सा गुस्से में बोलते हैं, ये सब क्या है और ये सब किसने करा। विंग और नी हुसैंग दोनों एक दूसरे को देखते हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर वो इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करें। इसके बाद नी हुसैंग बोलता है, हमारी ये हालत ब्रदर इन लॉ ने करी है। ये सुनते ही विंग के दोनों फादर हैरान हो जाते हैं। विंग के ओमेगा फादर अपनी एक आईब्रो ऊपर करते हैं, और ऐसा क्या करा है तुमने जो बेचारे वांगशी को तुम्हें इस तरह से पीटना पड़ा। ये सुनते ही विंग की आवाज़ तो मानो उसके गले में ही रुक जाती है उसके बाद वह किसी तरह धीमी आवाज़ में बोलता है, विंग बोलता है, वो मैं चिंसू की ड्रेस पर वाइन गिर गई थी। ये सुनते ही विंग के ओमेगा फादर बोलते हैं, तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड। विंग हाँ में सर हिलाता है और अपने सर को नीचे कर लेता है। विंग के अल्फा फादर बोलते हैं, शर्म नहीं आ रही, तुम अभी भी उससे मिलते हो। इसके बाद विंग बोलता है, और मैंने उसे अपना कोट उतार कर दिया था। और फिर नी हुसैंग बोलता है, और उसके बाद ब्रदर विंग ट्रंक थे और उन्होंने अपने हाथ को उसकी कमर पर रख लिया था और ये सब चीज़ें ब्रदर वांगची ने देख ली और उन्होंने गुस्से में आकर ब्रदर विंग का ये हाथ ही तोड़ दिया। विंग के ओमेगा फादर गुस्से में विंग को देखते हैं, सही करा बिल्कुल वांगची ने, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। विंग बोलता है, फादर मैं बस उसकी हेल्प कर रहा था। विंग के ओमेगा फादर बोलते हैं, हाँ कमर पर हाथ रखना ही तो होता है उसकी हेल्प करना। विंग बोलता है, मदर मैं बस श्रंक था और उसको संभाल रहा था। विंग के ओमेगा फादर बोलते हैं, हाँ तो वांगची ने तुम्हारा नशा उतार दिया, बात ख़त्म। और इसके बाद वे दोनों नी हुसैंग को देखते हैं, और बाय द वे तुम्हें कैसे चोट आई है। और नी हुसैंग को विंग से ज़्यादा चोट आई थी पर उसका हाथ नहीं टूटा था। नी हुसैंग बोलता है, वो ब्रदर की एक्स गर्लफ्रेंड को मैं ही लेकर आया था, इसलिए ब्रदर वांगची ने मुझे भी पीट दिया। और विंग के पेरेंट्स इन दोनों को ऐसे देखते हैं कि अब इन दोनों का खुद का इन दोनों को पीटने का मन कर रहा है। विंग के अल्फा फादर बोलते हैं, अच्छा है कि तुमने सिर्फ कमर पर हाथ रखा था। नी हुसैंग बोलते हैं, हाँ अगर आपने हद से ज़्यादा कुछ और हरकत करी होती तो आपको तो किसी काम का ही नहीं छोड़ते ब्रदर वांगची। और ये कहने के बाद नी हुसैंग अपनी आंखों को नीचे करता है और विंग की पैंक्स की तरफ देखता है। नी हुसैंग बोलता है, ब्रदर वे लेकिन फिर भी संभल कर रहना, पता चला आपने कुछ हरकत करी और उसके बाद आप कुछ करने लायक न रहे। इसके बाद हम लोग वांगची, विंग और नी हुसैंग इन तीनों को डाइनिंग टेबल पर देखते हैं विंग के घर पर, क्योंकि नी हुसैंग की हालत भी ये वांगची नहीं करी थी तो विंग के पेरेंट्स नी हुसैंग को भी अपने साथ ले आते हैं। हालांकि उसने पिटने वाली हरकतें तो करी थी लेकिन उसके बाद भी नी हुसैंग अपनी हरकतों से कहाँ ही बाज आता है। वांगची, विंग और नी हुसैंग को टी सर्व करता है और नी हुसैंग उसके बाद भी अम्यूजमेंट के साथ वांगची को देखता है और उससे बोलता है, वैसे ब्रदर इन लो अगर कभी ब्रदर वे ने चिटिंग करी तो आप तो सारी हड्डियाँ तोड़ दोगे ब्रदर वे की। वांगची जो कि शांति के साथ अपनी पी पी रहा था बोलता है, इतना तामझाम करने की क्या ज़रूरत है, अगर चिटिंग करी तो चाय में जहर मिला कर दे दूँ, आफत ही ख़त्म। ये सुनते ही बेचारा विंग जो कि अपनी चाय पी रहा था उसके मुँह से बाहर आ जाती है और वह खांसने लगता है। नी हुसैंग बोलता है, ब्रदर वे धीरे धीरे शांत, कहीं आपने सच्ची में कोई कर्म कांड ऐसे कर तो ना दिए। विंग नी हुसैंग को गुस्से में देखता है, ये सच्ची में बोलने से पहले कुछ नहीं सोचता। इसके बाद विंग अपने फेस को साफ करता है और वांगची की तरफ देखता है, वैसे तुम्हें पता है कि मर्डर करने के बाद जेल भी जाते हैं। वांगची भी शांति के साथ विंग को आंसर करता है, हाँ लेकिन अगर मुझे तुम्हें मारने से डर नहीं लगता तो मुझे जेल जाने से क्या लगेगा। और ये कहकर वांगची उसके बाद वहाँ से चला जाता है। नी हुसैंग विंग की तरफ अम्यूजमेंट में देखता है, भगवान ऐसे दो तीन पार्टनर और दे आपको। विंग नी हुसैंग को गुस्से में देखते हैं, अबे एक ही चाय में जहर मिला के देने के लिए तैयार है तो दो तीन और दिलवा दे ऐसे। लेकिन इसके बाद विंग के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वह उसी दिशा में देखता है जिस तरफ वांगची गया था। विंग सोचता है, वैसे जो भी हो वांगची उसका ओमेगा बनने के लायक तो है।
वांग शी और वींग की दोनों की अरेंज मैरिज हुई थी और दोनों अभी चीज़ों को धीरे धीरे लेकर चल रहे थे। लेकिन लास्ट नाइट दोनों ही एक पार्टी में गए थे, वहाँ पर उसे वींग की एक्स गर्लफ्रेंड मिल गई थी जिसे नी हुसैंग लेकर आया था। और उसके बाद जब वांग शी थोड़े गेस्ट से वहाँ बात करने के बाद वींग के पास आता है तो वो ये सब देखता है कि वींग उसे कोट पहना रहा था और उसके बाद उसकी कमर पर हाथ रखा था और उससे बड़े हंस हंस कर बातें कर रहा था, जैसे कि पुरानी कितनी अच्छी यादें ताज़ा हो रही हों। ये देखने के बाद वांग शी का खून खिलस जाता है और उसके बाद वह नी हुसैंग और वींग दोनों की पिटाई करता है। वांग शी का सिंपल था, मुझसे पहले कितने आए हैं कोई परवाह नहीं है, लेकिन अब मुझसे शादी हो गई है तो उनका जिक्र भी नहीं होना चाहिए। और तुम उनके साथ कमर पे हाथ रख कर हंस हंस कर बातें कर रहे हो। तो वांग शी ने वींग को पीटते वक्त उसका हाथ ही तोड़ दिया गुस्से में आकर। वांग शी 2S लेवल का ओमेगा है और उसकी फिजिकल फिटनेस अच्छी है और वो एक अल्फा को चैलेंज करने का दम रखता है। हालांकि क्योंकि वींग 3S लेवल का अल्फा है तो दोनों की स्ट्रेंथ में बहुत ज़्यादा अंतर है, लेकिन फिर भी ये चीज़ें वांग शी को सबमिसिव नहीं बनाती हैं। अब रात के समय वांग शी बेड पर लेट कर अपनी किताबें पढ़ रहा होता है, तभी वहाँ पर वींग आता है। कॉशियसली अपने हाथ को संभालते हुए वांग शी के बराबर में लेटता है, लेकिन वींग फिर भी आराम से कहाँ लेट सकता है, बेशक हाथ में चोट लगी है। उसके बाद वह अपने फेस को वांग शी की नेक में ले जाता है और वहाँ पर रब करता है। ये देखते ही वांग शी वींग को दूर हटाता है, हटो, लेकिन वींग फिर भी नहीं सुनता और वांग शी उसे पीछे करता है, परेशान मत करो, और उसे गुस्से में देखता है। तभी वींग बोलता है, आह मेरा हाथ। ये सुनते ही वांग शी चिंता में आ जाता है और जल्दी से वींग के हाथ को देखने लगता है। वींग वांग शी के फेस को नोटिस कर रहा था, उसकी आंखें देख रहा था जिनमें उसके लिए चिंता भरी पड़ी थी। वींग हंसने लगता है, देखा तुम मेरी चिंता करते हो, लेकिन हमेशा गुस्सा कर कर दिखाते हो, लेकिन गुस्से में भी क्यों लगते हो। वांग शी वींग की ऐसी बातें सुनकर खुद को शांत करने की कोशिश करता है कि वे इससे कुछ भी ना बोले। उसके बाद खुद को काम करते हुए बोलता है, तुम्हारा ये हाथ भी मैंने तोड़ा है। वींग बोलता है, सिंपल, क्योंकि तुम मुझे पसंद करते हो और मुझे किसी और के साथ देखकर तुम जलस हो गए, देखा कितनी मोहब्बत है तुम्हें मुझसे। वांग शी वींग को देखकर सोचता है, अल्फा बेशर्म होते हैं और ये उन बेशर्मों का भी राजा है। वांग शी कॉलेज से घर आता है। इस टाइम पर वींग के दोनों फादर वहाँ पर थे। वींग के ओमेगा फादर जल्दी से वांग शी की तरफ आते हैं और वांग शी से बोलते हैं, बच्चे आज तुमने कॉलेज में लड़ाई करी। अब ओमेगा फादर के पूछते ही वांग शी इस चीज़ को डिनाई नहीं कर पाता और हाँ कर देता है। एकदम से ओमेगा फादर चिल्ला पड़ते हैं, क्या। ये देखते ही वांग शी थोड़ा सा फ्लेंच जाता है। उसके बाद वे अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं। उन्हें गुस्सा ये आ रहा था कि वांग शी ने किसी को पीटा, ठीक है, लेकिन इस पीटने में उसको खुद को भी तो चोट लग सकती है। और वह वांग शी को ऑब्जर्व करने लगते हैं कि आखिर वह ठीक है या नहीं। वांग शी बोलता है, फादर मैं ठीक हूँ। इसके बाद वींग के अल्फा फादर बोलते हैं, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई प्रॉब्लम हो तो तुम हमें बता सकते हो सीधा। तभी वहाँ पर वींग आता है और पूछता है, क्या हुआ, आप तीनों ऐसे क्यों इकट्ठा हो रहे हो, मेरे बिना क्या मीटिंग हो रही है, मेरी चुगली तो नहीं हो रही ना यहाँ पर। मेरी वींग के फादर वींग की तरफ देखते हैं, कुछ है तुम्हारे बारे में बात करने के लिए। वींग के फादर बताते हैं कि आज वांग शी ने कॉलेज में किसी से लड़ाई करी और वह पर्सन हॉस्पिटल पहुंच चुका है, जिसकी वजह से वांग शी के टीचर का फ़ोन इन्हें आया था। ये सुनते ही वींग वांग शी की तरफ देखता है, वेरी गुड। वींग के ओमेगा फादर बोलते हैं, तुम्हें और कुछ नहीं बोलना। इसके बाद वींग को सोचता है कि आखिर वो क्या ही बोले, और उसके बाद वांग शी से बोलता है, अगली बार अगर तुम किसी को मारो तो याद रखना कि तुम उसकी कमर में मारो, उसके सर पर नहीं मारना, और हाँ गर्दन से थोड़ा नीचे मारोगे तो उसका डिफेंस भी गायब हो जाएगा और अच्छे से वो पर्सन तुम्हारे सामने वीक हो जाएगा। और हाँ जब उसके लेग में मारो तो उसके इस वाले हिस्से पर मारना, वह अपने लेग को टच कर कर बताता है। और हाँ अगर उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो तुम यहाँ से साइड से मार सकते हो, डिफेंस कमज़ोर होगा। इसके बाद वींग बोलता है, और हाँ अगली बार मुझे भी बुला लेना, क्योंकि अगर ज़्यादा हुआ तो उन्हें मैं ही पीट दूंगा। वींग के ओमेगा फादर वींग के सर में मारते हैं, तुमसे ये कहने के लिए नहीं बोला था। वींग के ओमेगा फादर अपनी आंखें घुमाते हैं और वांग शी से बोलते हैं, बच्चे ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम तुम्हारे लिए सॉल्व नहीं करने के, चाहे तुम किसी को पीट कराओ लेकिन खुद को खतरे में मत डालो। लेकिन वींग हंसते हुए वांग शी को गले लगाता है, लेकिन मुझे तो वांग शी की ताकत पर भरोसा है, पर हाँ सेफ्टी मेजर्स के लिए तो बॉडीगार्ड्स ज़रूर साथ रख सकते हो तुम। वींग के फादर वींग की तरफ देखते हैं, सुधर जाओ। वींग के अल्फा फादर बोलते हैं, अगर इसकी हरकतें ऐसी नहीं होती तो ये अपने पार्टनर से मार खाता। वींग बोलता है, अब फादर यहाँ तो मैं आप पर गया हूँ, जैसे कि आप ओमेगा फादर से हमेशा पिटते रहते हो,
मैं अपने हस्बैंड से पिटता रहता हूँ, खून तो मैं आप ही का हूँ, आखिर खौफ कैसे ना रहे अपने हस्बैंड का। ये बोलते ही वीन वांगची के होटल के पास मूनलाइट किस करते हैं और बोलता है राइट स्वीट हार्ट। ये सुनते ही वांगची अपने फेस को नीचे कर लेता है, उसके गर्दन और ईयर स्ट्रेट हो जाते हैं और फिर कुछ भी नहीं बोल पाते हैं। वीन के ओमेगा फादर उसका कान पकड़ कर खींचते हैं, परेशान करना बंद करो उसे। वीन बोलता है सीरियसली आप अपने पति पर ध्यान दो ना, वो मेरा पति है, और वांगची को अपने पीछे छिपा लेते हैं। इसके बाद वीन किसी को कॉल करता है और उनसे उन लोगों को ठिकाने लगाने के लिए बोलता है जो कि वांगची को परेशान कर रहे थे, क्योंकि वो उसे आगे भी तो परेशान कर सकते हैं, तो सीधा उन्हें दूसरे शहर में ही जाने के लिए फोर्स कर देते हैं। जब वीन रूम में आता है तो वांगची उसकी तरफ देखता है। वीन बोलता है कुछ बोलना है तुम्हें? वांगची बोलता है तुम्हें नहीं जानना कि आखिर मैंने उन्हें क्यों पीटा है। वीन बोलता है रियली तुम्हें बताना है? वांगची बोलता है मेरी नहीं थी, उनकी ही गलती थी। वीन बोलता है तो फिर क्या हुआ? अगर तुम्हारी गलती थी, वैसे भी मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हारी साइड लेनी है। अब तुम सही हो या गलत, वैसे मुझे पता है कि तुम गलत नहीं हो, तो बात ख़त्म। ये सुनते ही वांगची की आंखें थोड़ी सी वार्म हो जाती हैं और वह वीन को ध्यान से देखने लगते हैं और उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। वीन बोलते अरे हंसते भी हो तुम। लेकिन वांगची तुरंत ही अपने होठों को फिर से स्ट्रेट कर लेते हैं। वीन बोलते अरे लगता है मुझे 2-3 बंदे पीठ कराने पड़ेंगे जब तुम्हारे चेहरे पर स्माइल आएगी क्या। और इसके बाद वह वांगची की वेस्ट को पिंच करने लगता है। वांगची बोलता है परेशान मत करो। वीन अपने फेस को थोड़ा उदास बनाता है और क्यूट दिखने की कोशिश करते हैं। वीन बोलता है हाय कितने दुख की बात है, मेरा हस्बैंड मुझसे ज़रा सा भी प्यार नहीं करता और देखो मुझे कैसे डांटता रहता है, मैं कितना बेचारा हूँ। वांगची वीन की इस ओवर एक्टिंग को देखता है और सोचता है सीरियसली ये 3S लेवल का अल्फा सोल्जर है ऐसा। इसके कुछ टाइम बाद वीन मिलिट्री डिपार्टमेंट वापस चला जाता है और वांगची अपने कॉलेज के वर्क में ही लग जाता है। इनके ABO वर्ल्ड को जो वैरियर सिक्योर कर रहा था वह टूटने लगता है, उससे होकर मोस्टर अंदर आने लगते हैं और वीन और उसकी फोर्स उनसे लड़ाई करने जाती है। वीन की फोर्स जीत जाती है। इसके बाद जल्दी से वांगची को वीन के पास भेजा जाता है। जब वीन उनसे लड़ाई कर रहा था और उनके लीडर पर वार करता है, क्योंकि सडन एक्सप्लोजन से कुछ केमिकल रिलीज होते हैं बिल्कुल डेंजरस ट्रक की तरह, जिससे कि वीन का रेक्ट वक्त से पहले आ जाता है और वह बिल्कुल बेकाबू होता है। वीन को इनहिबिटर्स देने की कोशिश की जा रही थी लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वह वर्क ही नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्हें वांगची को ही बुलाना पड़ता है। वांगची पूछता है वीन कहाँ है। वीन का सबॉर्डिनेट बोलता है आप अंदर जा सकते हैं, पूरा फ्लोर ही खाली है, जिससे कि वीन के फेरोमोन्स और उनको अनकंफर्टेबल फील ना कराएं। वांगची अंदर जाता है, सारा सामान टूटा फूटा होता है। देखकर हालत पता चल रही थी कि यहाँ कोई इंसान नहीं बल्कि जानवर है जिसने ये सारी हालत करी है इससे। इसके बाद वांगची को बाथरूम में से आवाज़ आती है, वह दरवाजे पर नोक करता है और वीन को बुलाता है वींग, लेकिन कोई आंसर ना मिल पाने की वजह से वांगची दरवाज़ा तोड़ कर ही अंदर चला जाता है। वीन वांगची को देखता है, वांगची भी और ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करता है, जैसे कि वीन के फेरोमोन्स उसे हिट होते हैं। जब तक वो रूम में आया था वो खुद को कंट्रोल फिर भी कर पा रहा था, लेकिन अब नहीं। वीन वांगची को ऐसे देखता है कि वीन कोई शिकारी है और वांगची उसका शिकार। वीन की ऐसे नुसरों को देखकर वांगची अपने फेस को दूसरी तरफ कर लेता है। इसके बाद वीन बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वांगची वीन की तरफ बढ़ने लगता है लेकिन वीन उसे रोक लेता है। वांगची बोलता है मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। वीन बोलता है लेकिन क्या तुम तैयार हो। वीन के बोलने में भी डिफ़िकल्टी हो रही थी, क्योंकि वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था कि वह बेकाबू ना हो जाए और वांगची के ऊपर किसी जानवर की तरह हमला ना कर दे। वीन की बात सुनते ही वांगची का दिल और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। डेफिनेटली वीन इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी में है लेकिन फिर भी वह उसके बारे में सोच रहा है। वीन का फेस पूरा रेड हो चुका था, आँखें हैवी जैसे कि उसने कितनी ड्रिंक करी हो, और सांसें भारी हो रही थी और पूरी बॉडी जैसे जल रही हो, और साथ में पूरी बॉडी में पेन हो रहा था, और इसमें अब उसे वांगची के फेरोमोन्स की भी स्मेल आने लगती है जो इसे बेकाबू करने के लिए तैयार थी। वांगची जो कि अनकंफर्टेबल फील कर रहा था उसे खुद नहीं पता होता कि आखिर कब वह अनकॉन्शियसली अपने फेरोमोन्स को भी रिलीज़ करने लगता है। वीन बोलता है जाओ यहाँ से, लेकिन वांगची आगे बढ़ता है और वीन को गले लगा लेता है। वीन खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था लेकिन वांगची के इतने करीब हो जाने के बाद अब इसकी डिज़ायर जीत जाती है और वह वांगची को गले लगा लेता है।
फिंग बोलता है, फ्रिक फ्रैक मत करना। और ये बोलते ही वह किसी बीस्ट की तरह वांगची के सारे कपड़े फाड़ देता है। दोनों शार के नीचे होते हैं, पूरे भीग जाते हैं। वांगची को ऐसे शर्म आ रही थी, लेकिन विंग जिस तरह से वांगची को देख रहा था उसकी डिज़ायर और ज़्यादा बढ़ रही थी। उसके बाद वह वांगची को उसकी कमर पे से पकड़ता है और उसे दीवार पर पिन कर देता है। एकदम से वांगची की कमर दीवार से टकराती है और वह पेन की वजह से आवाज़ करता है, लेकिन ये आवाज़ भी विंग को और ज़्यादा अच्छी लगती है और वह उसे और ज़्यादा बुली करना चाहता है। इसके बाद विंग उसके नेक पर बाइट करता है और बाइट करते हुए वह अपने टीथ को बहुत ज़्यादा डीपली डिक कर देता है। वांगची पेन की वजह से अपने नेल्स को विंग की कमर में डिक करता है। विंग उस ब्लड को भी लिक करता है। विंग वांगची के नेक पर उस ब्लड को लिक करता है और उसे वो ब्लड भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। यहाँ पर उसकी एनिमल इंस्टिंक्ट जाग पड़ती है और उसे समझ में आता है कि अल्फा की वो डिज़ायर जहाँ पर वो एनिमल फॉर्म में ही सीधा ओमेगा उसको कनक्योर करना चाहता हूँ। वांगची यहाँ पर वो पोर्शिलियन डोल लग रहा था जिसे वह अपने हाथों से ही तोड़ना चाहता हूँ और वह उसकी कमर पर अपनी स्ट्रेंथ को थोड़ी सी और बढ़ा देता है। इसके बाद विंग वांगची को किस करता है। वह किस भी काफ़ी ज़्यादा फियर्स होती है, उसके लोअर लिप पर बाइट करता है और वहाँ से भी ब्लड निकलता है। जैसे विंग वांगची को सांस लेने का मौका ही नहीं देना चाहता, लेकिन उसके बाद वह किसी तरह वांगची को छोड़ देता है और उसके बाद फिर से उसके लिप के कॉर्नर पर किस करता है। और इससे पहले कि वांगची राहत की सांस ले पाता, विंग दोबारा वांगची को किस करने लगता है। जब विंग और वांगची अलग होते हैं, विंग वांगची को देखता है, उसकी आँखें मॉइस्ट हो जाती हैं, हल्के से आंसू आते हैं। विंग को ऐसा लगता है कि वांगची कुदरत की बनाई हुई सबसे खूबसूरत चीज़ है और इसे बर्बाद करने का हक सिर्फ विंग को है। उसकी आंखों में वो आंसू, उसका वो पिटीफुल लुक, वो और ज़्यादा सेडक्टिव लग रहा था विंग को, उसके डोमिनेटिंग एरोगेंट लुक से ज़्यादा। इसके बाद विंग वांगची को कैरी करता है और रूम में आ जाता है। वांगची को बेड पर लिटाता है और उसे कोई मौका ना देकर तुरंत ही उसकी नेक पर अटैक कर देता है। वांगची बेशक एक ओमेगा था जिसकी वजह से वह थोड़ा वीक फील कर रहा था और सबमिसिव भी, लेकिन उसका दिल सबमिसिव होने के लिए तैयार नहीं था। वह विंग को उसके शोल्डर पे से पकड़ता है और दोनों की पोजीशन को फ्लिप कर देता है। अब विंग नीचे और वांगची ऊपर आ जाता है और वह विंग को रोक देता है, जिसे देखते ही विंग की आँखों का रंग चेंज होता है कि मानो वह किसी क्यूट एनिमल की तरह हो जो अपने फूड को वापस चाहता हो। और इसके बाद वांगची विंग को टीस करने लगता है। वांगची विंग की नेक पर बाइट करता है, किस करता है और नीचे उसके चेस्ट पर स्लोपी किसेस करते हुए आता है। वांगची का हाथ विंग की थाइस पर जाता है, वह वहाँ पर उसे हल्का हल्का सराहने लगता है, उसके बाद पिंच करता है और ये सारी चीज़ें विंग को एक स्वीट टॉर्चर लगती हैं। वांगची ईवल स्माइल करता है लेकिन वह भूल जाता है विंग को ड्रग्स मिली हुई है और वो आर्टिफिशियली हीट में है, और हीट में आया हुआ अल्फा नॉर्मल अल्फा से ज़्यादा खतरनाक होता है और इसकी उस टीजिंग की कीमत आखिरकार उसे चुकानी पड़ती है, क्योंकि फिर उसके गले में चिल्लाने के लिए भी आवाज़ें नहीं आती हैं और उसका गला पूरा बैठ जाता है, क्योंकि विंग ने फिर उसे पूरी रात नहीं छोड़ा था। जब वांगची की आँख खुलती है, अगले दिन शाम के 4 बज चुके होते हैं। वांगची की आँखें खुलता देख विंग वांगची की तरफ आता है। वांगची का गला पूरा बैठ जाता है। विंग वांगची को पानी पकड़ाता है। वांगची पानी पीता है। विंग पूछता है, तुम ठीक हो? और यह सुनते ही वांगची को रात की सारी बात याद आ जाती है। उसके ईयर्स रेड हो जाते हैं और उसकी नेक भी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आने के लिए तैयार थे और वह गुस्से में विंग की तरफ देखता है। तुम ये पूछ सकते हो कि मैं ठीक हूँ, तुम्हें लगता है? विंग बोलता है बहुत ही क्यूटली फेस बनाकर, मैंने कोशिश करी थी खुद को कंट्रोल करने की। वांगची को गुस्सा आता है, उसकी आँखों में आंसू आते हैं और वह विंग पर अटैक करना चाहता है, लेकिन उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती। विंग बोलता है, ऐसे पपी जैसे फेस मत बनाओ, तुम और भी ज़्यादा सेडक्टिव लगते हो, और फिर मेरा कुछ और करने का मन करता है। वांगची गुस्से में आता है, जाओ यहाँ से, रूम में एंट्र मत कर लेना बेशरम इंसान। लेकिन विंग वांगची को गले लगा लेता है और ये बेशरम इंसान सिर्फ तुमसे प्यार करता है। और इसके बाद वह वांगची को देखता है, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं कहना? वांगची बोलता है, क्या? विंग बोलता है, जो मुझे सुनना है। लेकिन वांगची कोई भी आंसर नहीं करता और अपने फेस को नीचे कर लेता है। विंग वांगची के गाल को पिंच करता है, हाय कितना शर्माते हो, रात तो बड़े ब्रेव बन रहे थे। वांगची गुस्से में आकर विंग के फिंगर को ही बाइट कर लेता है, लेकिन उसके बाद धीरे से बोल देता है कि आखिर वह भी विंग को पसंद करता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये कहानी भी ख़त्म होती है। थैंक यू।